झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने चौथा समन जारी कर मुख्यमंत्री को क्षेत्रीय कार्यालय तलब किया। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय ईडी के चौथे समन के बाद भी नहीं पहुंचे। इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के संबंध और उनके अधिकार को याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। ऐसे में याचिका पर जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक कयास लगाना उचित नहीं है। वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने आगे बताया कि शनिवार को दायर याचिका की सुनवाई रविवार और सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में अवकाश रहने के कारण याचिका स्वीकृत होने पर संभवतः मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो ईडी के द्वारा सम्मन दिया गया, उस सम्मन को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन जी ने एक याचिका दायर की है झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष और उसके अधिकार को चुनौती दी है। ऐसे में जब तक याचिका पर सुनवाई नहीं होती है कुछ भी कयास लगाना उचित नहीं होगा।